स्टूडेंट्स, आई एम मंतशा रुबा। आज हम लोग क्लास 9 हिंदी मीडियम बायोलॉजी में अगला टॉपिक पढ़ेंगे, परमानेंट टिश्यूज़। तो हम आप लोगों को प्लांट टिश्यूज़ पढ़ा रहे हैं, जिसमें हमने आप लोग को बताया था कि प्लांट टिश्यू दो तरीके के होते हैं, मेरिस्टमैटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। तो आपको हमने मेरिस्टमैटिक टिश्यू पढ़ा दिया है। अब आपका दूसरा जो प्रकार है प्लांट टिश्यू का, वो है स्थायी ऊतक या परमानेंट टिश्यू। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि स्थायी ऊतक और परमानेंट टिश्यू क्या होता है। ये जो ऊतक होते हैं, ये आपके मेरिस्टमैटिक टिश्यू के ही डेवलप्ड होने से बनते हैं। मतलब कहने का ये है कि मेरिस्टमैटिक टिश्यू जो होते हैं, वो पौधे की टिप पर पाए जाते हैं, और उसके बाद जब वो डेवलप्ड हो जाते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं परमानेंट टिश्यू में। तो परमानेंट टिश्यू कोई नए तरीके का ऊतक नहीं है, वो मेरिस्टमैटिक टिश्यू का ही बदला हुआ रूप है। कहने का मतलब है, मेरिस्टमैटिक टिश्यू कुछ दिन बाद डेवलप्ड होकर कन्वर्ट हो जाता है परमानेंट टिश्यूज में। अब परमानेंट टिश्यूज देखिए, ये टिश्यू जो होते हैं वो स्थायी होते हैं, मतलब इनमें अब पूरे जीवन भर कोई भी बदलाव नहीं आता है। तो पहले विभाज्य जो आपके मेरिस्टमैटिक टिश्यू हैं वो बनेंगे, उसके बाद फिर वो कन्वर्ट हो जाएंगे स्थायी ऊतक या परमानेंट टिश्यूज़ में, और उसके बाद फिर वो परमानेंट टिश्यू जीवन भर पौधों में रहते हैं और वही उसको डेवलप्ड करते हैं, या उसमें सारी क्रियाएं परमानेंट टिश्यू से ही होती हैं। अब देखिए, नीचे हेडिंग दी गई है स्थायी ऊतक के लक्षण। इसमें देखिए कैरेक्टर दिए गए हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परमानेंट टिश्यू, मतलब स्थायी ऊतक के क्या क्या लक्षण होते हैं और आप उनको कैसे पहचानेंगे कि वो परमानेंट टिश्यू या स्थायी ऊतक हैं। तो पॉइंट वाइज दिया गया है, पहला है इसमें देखिए, इस ऊतक के लक्षण निम्न प्रकार है। पहला है, स्थायी ऊतक की कोशिकाएं मृत अथवा सजीव दोनों प्रकार की हो सकती हैं। मतलब परमानेंट टिश्यू की जो कोशिकाएं होती हैं, सेल होती हैं, वो लिविंग भी हो सकती हैं और नॉन लिविंग भी हो सकती हैं, दोनों तरीके की हो सकती हैं। इस ऊतक की कोशिकाएं पतली अथवा मोटी कोशिका भित्ति से घिरी होती हैं। देखिए, इनमें जो होती है, इनकी जो कोशिकाएं होती हैं, उनके चारों तरफ जो कोशिका भित्ति होती है वो पतली भी होती है, जीवित कोशिकाओं में पतली होती है और मृत कोशिकाओं में मोटी होती है। तो ये दोनों तरीके से उसमें पाई जाती है। उसके बाद अगला है, इसकी कोशिकाएं किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए स्थायी रूप तथा आकार ले लेती हैं। मतलब इसकी कोशिकाएं जो होती हैं परमानेंट टिश्यू की, ये किसी भी कार्य को करने के लिए एक परमानेंट स्ट्रक्चर ले लेती हैं, जिससे ये पर्टिकुलर आकार में कार्य कर सकें और फिर जीवन भर उसी आकार में ये बनी रहती हैं और पौधों को एक निश्चित आकार और शेप जो है वो देती हैं। उसके बाद अगला है, इसके कोशिका द्रव्य में बड़ी रसधानी रहती है। रसधानी मतलब होता है वैक्यूल। आप लोगों ने सेल वाला चैप्टर पढ़ा है, तो सेल में देखिए वैक्यूल बताया हमने। वैक्यूल जो होती है वो उस कोशिका के अंदर पाई जाती है खाली जगह पे, मतलब बॉल की तरह, बैलून की तरह स्ट्रक्चर होता है और उसके अंदर कोशिका रस भरा होता है या सेल सैप भरा होता है। तो इनकी कोशिका द्रव्य में, मतलब इनके परमानेंट टिश्यू की जो कोशिकाएँ होती हैं, उनके साइटोप्लाज्म में एक बड़ी सी वैक्यूल होती है जो इनको पूरी तरीके से फुलाए रहती है और इनके शेप को सही तरीके से बनाए रहती है। तो ये आप लोगों का टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब आप लोग को आगे जो है स्थायी ऊतक के प्रकार या टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू पढ़ाएंगे। तो इतना आप लोग लिखकर कॉपी में कंप्लीट कर लीजिएगा। थैंक यू।